मध्य प्रदेश की पटवारी इन दिनों बेमियादी हड़ताल पर हैं। पटवारियों की इस हड़ताल से सरकारी कामकाज सहित किसानों का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। समूचे सूबे में 19,000 से ज्यादा पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 24 दिनों से हड़ताल पर डटे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार ने इनकी नहीं सुनी तो ये सब आमरण अनशन करेंगे। पटवारियों की हड़ताल का असर आदिवासी बहुल्य डिंडौरी जिले में भी देखने को मिला। यहाँ किसान बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के 24वें दिन शाहपुरा तहसील के पटवारियों ने रैली निकालकर एसडीएम निशा नापित शर्मा व तहसीलदार पुष्पेंद्र पंद्रे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष सोहन साहू ने बताया कि यदि सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यहाँ पटवारियों ने सरकार को आमरण अनशन की खुली चेतावनी दी है। पटवारी विगत महीने भर से आंदोलन कर रहे हैं। विगत 28 तारीख से सभी पटवारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री आज तक पटवारियों की समस्या का समाधान नहीं किए हैं। इससे कि हमारे पटवारियों की प्रदेश भर की पटवारियों की भावनाओं को सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम मजबूर हैं कि आज मजबूरी में हमको आमरण अनशन पर जाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।